हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शाहरुख हुसैन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एएनटीएस पार्ट टू ऑर्गेनिक पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 51 पे देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि द क्वेश्चन है द इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज ड्यू टू। तो आपको पता है कि अगर इक्लिप्स की बात करेंगे हम लोग, स्टैगर्ड की बात करेंगे, तो जो अपने पास इक्लिप्स है वो ऐसा है कुछ, और जो स्टैगर्ड है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्रंट को फिक्स रख के बैक को रोटेट करना पड़ेगा, या बैक को फिक्स करके फ्रंट को रोटेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि रोटेशन कब पॉसिबल होता है। तो हम लोग जानते हैं कॉन्फर्मेशन में रोटेशन तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्या होते हैं, आपके पास ऐसा सिंगल बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या हो सकता है, फ्री रोटेशन हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा डबल बॉन्ड होता तो उसके अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। और इथेन में क्या होता है आपके पास, इथेन में क्या, यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, और यहाँ भी क्या है, एच है। तो आप क्या बोलोगे, सर क्या इसके अराउंड ऐसे रोटेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इसकी वजह से, रोटेशन की वजह से आप क्या होगा, फ्री रोटेशन की वजह से क्या होगा, ये इसमें ऐसा ट्रांसफॉर्म हो सकता है, यानी इक्लिप्स से क्या बन सकता है, स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे, सर इसका आंसर क्या होना चाहिए 51 का, क्या क्या ऑप्शन है अपने पास? फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो फिर रोटेशन अगर होगा ही नहीं तो फिर इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ये, है ना। तो उसके बाद एब्सेंस ऑफ रोटेशन, यानी रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका, 51 का ए हो जाएगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपके पास क्या पूछा था, इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन इज इथेन, तो क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो रहा है आपके पास, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 52। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे तो आपको क्या बोला है, आपसे पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम टॉर्जनल स्ट्रेन एंड मिनिमम वैंडरवाल स्ट्रेन। तो अगर हम लोग बात करें मिनिमम की, ठीक है, आपसे क्या पूछा है, मिनिमम टॉर्जनल स्ट्रेन एंड मिनिमम वैंडरवाल स्ट्रेन, है ना। तो अगर मिनिमम की बात करें तो सबसे पहले मैं दो बना लेता हूँ फिर से, एक अपन बना लेते हैं ऐसा इक्लिप्स और एक अपन बना लेते हैं ऐसा स्टैगर्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर अपने पास हम लोग बात करें किसकी, ऐसा टॉर्जनल स्ट्रेन की बात करें, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होता है, ये फ्रंट के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और ये जो बैक के हैं तो इनके बीच क्या होगा आपके पास, यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है ये क्या कहलाएगा आपके पास, टॉर्जनल, क्या ये यहाँ पर आपके पास टॉर्जनल स्ट्रेन कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ग्रुप है और यहाँ पे जो ग्रुप है, यहाँ तो क्या हो गया आपके पास, टॉर्जनल सेम हो गया। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर जो रिपल्सन होगा, ये जो रिपल्सन है ये क्या कहलाएगा आपके पास, ग्रुप्स और ग्रुप्स के बीच का फ्रंट ग्रुप, फ्रंट पे जो अटैच्ड है ग्रुप एटम या मॉलिक्यूल्स जो भी, और इस पे भी जो बैक पे अटैच है एटम या मॉलिक्यूल्स, इनके बीच ग्रुप ग्रुप का जो रिपल्शन है ये क्या होता है, वैंडरवॉल रिपल्शन होता है। क्या होता है, वैंडरवॉल रिपल्शन या वैंडरवॉल स्ट्रेन कहलाता है, राइट। तो आप क्या बोलोगे, सर इसमें से कौन सा होगा, तो आपसे पूछा मिनिमम टॉर्जनल स्ट्रेन। तो आपसे अगर पूछा है मिनिमम टॉर्जनल स्ट्रेन पूछा है, क्या पूछा है, मिनिमम टॉर्जनल स्ट्रेन पूछा है, तो अगर आपसे मिनिमम टॉर्जनल स्ट्रेन पूछा है इसका मतलब मिनिमम कहाँ होगा, जहाँ पे दूर होंगे ये फ्रंट वाले और बैक वाले, अगर ऐसा सामने सामने है तो क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ये टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, सर टॉर्जनल स्ट्रेन मिनिमम पूछा है, यानी वो इक्लिप्स तो नहीं हो सकता, तो क्या हम लोग ढूंढेंगे, हम लोग ढूंढेंगे स्टैगर्ड ढूंढेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन तो हम यहीं से छाट लेंगे कि अपने पास अपने को ढूंढना क्या है, हम लोग को ढूंढना है स्टैगर्ड। क्या ढूंढना है हम लोग को, स्टैगर्ड ढूंढना है। तो बताओ स्टैगर्ड कौन से ऑप्शन में दिख रहा है अपने पास, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3, ये जो मॉलिक्यूल नंबर 1 है एंड मॉलिक्यूल 1 नंबर 3 है, ये तो इक्लिप्स दिख रहा है तो ये तो हो नहीं सकता। अब हम लोग क्या देखेंगे, स्टैगर्ड में देखेंगे, स्टैगर्ड में अपने पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। तो अगर ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 अगर हम देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, यहाँ पर जो CH3 है, अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं आपको कि जैसे ये फ्रंट है, फ्रंट पे आपके पास यहाँ CH3 है, यहाँ आपके पास H है, इधर आपके पास CH3 है, और अगर मैं बैक की बात करूँ तो इधर कौन है आपके पास, H है, यहाँ नीचे आपके पास CH3 है, और इधर भी क्या आपके पास ऐसा CH3 लगा हुआ है, राइट। और अगर मैं दूसरे वाले स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फिर से अगर मैं इसको बनाऊँ तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है, CH3 है, CH3 है, यहाँ क्या है, H है, और अगर बैक की बात करूँ तो बैक पे क्या आपके पास, इधर CH3 है, यहाँ क्या है, CH3 है, और यहाँ क्या आपके पास, H है। तो अगर आप ग्रुप्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो CH3 लगा है आपके पास, ये इसके बीच किसके बीच लगा है, इस CH3 और इस H के बीच के, तो यहाँ पर रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। लेकिन ये वाला जो CH3 लगा है बैक पे, ये देखो आप इस वाले CH3 और इस वाले CH3 के बीच में, यानी यहाँ पर इसके और इसके बीच जो होगा इसमें रिपल्शन क्या लगेगा, ज़्यादा, बल्किनेस ज़्यादा है, तो रिपल्शन क्या लगेगा यहाँ पर, वैंडरवॉल स्ट्रेन क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक क्या आपके पास, H है, तो आप क्या बोलोगे इन दोनों में से किस में ज़्यादा टॉर्जनल स्ट्रेन लगा, आप वैंडरवॉल स्ट्रेन लगा, तो आप बोलोगे सर इसमें टॉर्जनल तो सेम है, तो वैंडरवॉल से अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप बोलोगे सर वैंडरवॉल किसमें ज़्यादा लगा, तो इसमें वैंडरवॉल ज़्यादा लगा। लेकिन आपसे ये थोड़ी पूछा है कि कौन सा
मैक्सिमम वेंडर वॉल लगेगा। आपसे क्या पूछा है, किस में मिनिमम वेंडर वॉल लगेगा, तो अगर आपसे पूछा मिनिमम किस में लग रहा है, तो आप बोलोगे सर इस समय मिनिमम लग रहा है, तो इसका आंसर 52 का अपना क्या हो जाएगा, 52 का आंसर हम लोग देख लेते हैं, कौन सा मिनिमम वाला, कौन सा आपके पास सेकेंड वाला, तो सेकेंड कौन से में, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। तो अगर हम लोग 53 की बात करें तो आपको क्या दिखेगा, क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल इन फॉलोइंग कंपाउंड, और आपको कंपाउंड क्या दिया, कंपाउंड है कुछ ऐसा पीएच सीएच डबल बॉन्ड सीएच डबल बॉन्ड सीएच देनिए सीएच डबल बॉन्ड सीएच और सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप क्या करिएगा, आप क्या बोलोगे सर कि यहाँ से क्या ढूंढेंगे हम लोग पास, कौन कौन सा जी आई सो करेगा, ज्योमेट्रिकल पूछा सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड जो है, ये वाला डबल बॉन्ड, इसमें क्या है, ग्रुप्स डिफरेंट है, जैसे एक एच है एक पी एच है, ग्रुप डिफरेंट है, एक एच है और एक बड़ा सा ग्रुप है, तो ग्रुप डिफरेंट है, तो आप बोलोगे सर ये जी आई सो करेगा। ठीक उसी तरीके से ये भी डबल बॉन्ड क्या करेगा, जी आई सो करेगा, और ये जो है ये साइक्लो अल्केन वाला पार्ट है, तो यहाँ पर एक क्या आपके पास एच है, एक ये ग्रुप डिफरेंट है, एक एच है ये ग्रुप डिफरेंट है, तो आप क्या बोलोगे ये भी जी आई सो करेगा, है ना, तो ये भी जी आई सो करेगा, तो टोटल कितने हो गए, एन की वैल्यू हो गई अपनी 3। और हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग को ऐसा अनसेमेट्रिकल अल्केन में आप देखोगे अनसेमेट्रिकल मॉलिक्यूल आपके पास है ना, तो अगर आप अनसेमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके पास, तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हो, फॉर्मूला लगाते हो 2 to the power n, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 to the power 3, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 8। देखते हैं आंसर 8 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हो 53 का क्या हो जाएगा डी, तो 53 का आंसर आपका क्या हो जाएगा डी, तो डी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा है कि दो आइसोमर्स दिए हुए, एक ये और एक ये, बोला है कि बताओ दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ना, तो अगर हम लोग देखेंगे तो अपने पास क्या है, एक ये है सी ओ ओ एच सी ओ ओ एच, एच है सी एल है सी एल है और एच ये फर्स्ट है, दूसरा दिया है अपने पास कुछ ऐसा सी ओ ओ एच एच है सी एल है एच है सी एल है और क्या है सी ओ ओ एच है, आपसे पूछा है दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो आप देख सकते हो कि ये क्या है काइरल सेंटर है और ये भी क्या है काइरल सेंटर है ना, चारों ग्रुप डिफरेंट है तो काइरल है, चारों ग्रुप डिफरेंट है तो क्या है काइरल है, आप बोलोगे सर यहाँ भी क्या है सर काइरल है और यहाँ भी क्या है काइरल है, दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो आप देखोगे दोनों क्या है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, अगर होते तब तो इनैंशियमर होता, लेकिन ये मिरर इमेज बिल्कुल भी नहीं है, अगर मिरर इमेज होता तो यहाँ एच के सामने कौन होना चाहिए था, एच होना चाहिए था, लेकिन आप देखोगे ये मिरर इमेज नहीं है, अगर ये मिरर इमेज नहीं है तो हम लोग जानते हैं कि जो कैसे होते हैं मिरर इमेज नहीं होते, मिरर इमेज नहीं होते है ना, लेकिन स्टीरियो आइसोमर तो है क्योंकि 3D में अरेंजमेंट चेंज तो हुआ है, देखो आप यहाँ से देखो ए वाला सीएल किधर था आपका लेफ्ट साइड और यहाँ सीएल किधर आपका राइट साइड, यानी 3D में अरेंजमेंट तो चेंज हुआ है, यानी ये मिरर इमेज तो नहीं है लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स है, स्टीरियो आइसोमर्स है, तो आप क्या बोलोगे ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मिरर इमेज तो नहीं होते हैं लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं डाइस्टीरियोमर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं डाइस्टीरियोमर्स बोलते हैं, तो अपना आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका देख लेते हैं डाइस्टीरियोमर्स कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर सी, 54 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 55। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ काइरल एटम्स इन द कंपाउंड एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो आपको इस तरह से एक ये दिया है, एम ई क्या है आपका मिथाइल है और एक आपके पास कुछ ऐसा दिया है। ठीक है, आपसे पूछा है काइरल कौन कौन है, तो आप क्या बोलोगे काइरल कौन कौन है, तो आप देखोगे यहाँ पे कि सर ये वाला क्या है काइरल सेंटर है, बिल्कुल नहीं है क्योंकि आप देखोगे इधर वाले ग्रुप्स और इधर वाले ग्रुप्स कैसे हो जाएंगे सेम, तो आप बोलोगे इसमें कितने काइरल है सर जीरो काइरल है, कोई भी काइरल सेंटर नहीं है, इसमें अगर आप आओगे तो क्या बोलोगे सर ये वाला क्या होगा काइरल सेंटर होगा और ये वाला क्या होगा काइरल सेंटर होगा, क्यों, क्योंकि इसके चारों ग्रुप्स क्या है डिफरेंट है, एक क्या है एच है एक क्या है एच है, तो अगर एक एच है एक मिथाइल इधर आओगे तो आप कार्बन इधर आओगे तो कार्बन लेकिन इधर आओगे तो कार्बन पे हाइड्रोजन लेकिन इधर आओगे तो कार्बन पे मिथाइल है, सेम इस तरीके से इसमें भी आप देखोगे तो क्या बोलोगे कितने काइरल सेंटर है दो काइरल सेंटर है, राइट, इस वाले में अगर हम आएंगे तो क्या बोलेंगे ये काइरल सेंटर है क्योंकि एक तो क्या है एच है एक एम ई है, इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप दोनों कैसे हैं डिफरेंट है, तो चारों ग्रुप अगर डिफरेंट हो गए तो ये क्या है काइरल सेंटर है, तो टोटल नंबर ऑफ काइरल सेंटर कितना हो गया 1 हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि 55 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 0 to 1, देखते हैं 0 to 1 कौन से ऑप्शन में, तो आपको देख सकते हो 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा वो हो जाएगा ए, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 क्वेश्चन में अगर हम लोग चलेंगे तो आपसे पूछ रहा है कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की, तो क्या है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आयोडीन है ब्रोमीन ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, दूसरा दिया आपके पास सी एल है बी आर है एच है सी एस थ्री, नेक्स्ट है बी आर है सी एल है
CS3 है, CS3 है, और एक लास्ट है आपके पास CL है, CL है, H है, और क्या है CS3, ठीक है। तो अपने पास क्या है, कैसे हम लोग चेक करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो हम लोग देखते हैं कि किस में अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, यानी ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए, और ये ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल होता है तो बोलेंगे जी आईसो करेगा, और नहीं होता है तो जी आईसो नहीं करेगा। आप देखो यहाँ पर ये ग्रुप कैसे हो गए सेम, यानी ये जी आईसो नहीं करेगा। आप यहाँ देखोगे तो क्या बोलोगे, ये ग्रुप डिफरेंट है, और ये ग्रुप डिफरेंट है, यानी ये जी आईसो करेगा, राइट। इस वाले में आप देखोगे तो ये ग्रुप और ये ग्रुप कैसे हो गए सेम हो गए, तो एक ही कार्बन के दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो क्या बोलेंगे इसमें कोई नया अरेंजमेंट नहीं होगा, यानी ये जी आईसो नहीं कर सकता। तो इसमें क्या होगा, जी आईसो नहीं करेगा। इस वाले में अगर आप आओगे तो देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम हो गया, इस वजह से आप क्या बोलोगे, ये भी जी आईसो सर नहीं करेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना था अपना बी, तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए तो आपके पास क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। हम लोग जानते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होता है, रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा क्या लिखा है, नॉट लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है नॉट, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि बच्चों का ऐसे चीज़ों पर ध्यान नहीं रहता, नॉट देखते नहीं है और आंसर कर देते हैं। आपसे पूछा है डज नॉट हैव रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट वाले में क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोअल्केन है, साइक्लोअल्केन में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है सर। फिर से दूसरा ऑप्शन में क्या आपके पास, साइक्लोअल्केन है, तो आप क्या बोलोगे उसमें भी रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है सर। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या है, यहाँ भी रोटेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड्स होते हैं और पाई बॉन्ड्स कुछ इस तरीके से जुड़े होंगे, जैसे आप रोटेट कराओगे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, तो ओवरलैपिंग रीजन क्या हो जाएगा, चेंज होगा आपका, तो आप बोलोगे यहाँ भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन सिंगल बॉन्ड्स में, जैसे हम लोगों ने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या हो सकता है, फ्री रोटेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स हैं और सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। तो इसका आंसर जो अपना हो जाएगा, पूछा है नॉट, तो नॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 57 का डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पे। तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 58 पे, तो क्या देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछे आपसे, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव्स पॉसिबल फॉर बेंजीन आर, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव पूछा है, तो आप क्या बोलोगे सर एक कहाँ लगा दें, अगर एक यहाँ लगा दें, एक यहाँ लगा दें और एक यहाँ लगा दें, तो एक तो ये बन जाएगा, दूसरा अपने पास क्या हो जाएगा इस तरीके से, अगर हम लोग देखें तो यहाँ लगा दें, यहाँ पर फिक्स रखते हैं और इसकी पोजीशन को चेंज करके कहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, तो एक तो ये हो जाएगा, और तीसरा अपने पास क्या हो जाएगा ऐसा कि यहाँ बी आर और यहाँ हो जाएगा, तो आपके पास तीन बन गए। तो इस वाले केस में आप क्या देखोगे, ऐसा वन पे, टू पे, थ्री पे है, तो वन टू थ्री ये हो जाएगा, और इस वाले पे आओगे वन टू थ्री फोर पे है, तो वन टू और फोर हो जाएगा, है ना। और इस वाले पे आप आओगे तो क्या हो जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव, तो और ये सिक्स, तो आप बोलोगे वन पे है सर, और कहाँ है सर थ्री पे, और कहाँ है फाइव पे, तो सबके नॉमिनक्लेचर क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। अब क्या होता है इसी में, किसी को ऐसा लगता है कि सर ऐसा लिख देते हैं कि यहाँ पे बी आर लगा देते हैं, अब आपने क्या लगाया सर यहाँ पे लगाया, तो एक यहाँ पे बी आर लगा देते हैं और एक यहाँ पे बी आर लगा देते हैं, ये भी तो नया, ये नया नहीं है, सेम हो जाएगा, क्योंकि आप ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर करोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे नंबरिंग फिर से क्या आ गया, देखो वन टू और फोर हो गया, तो बताओ ये वन टू और फोर, ये वाला मैच कर जाएगा, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से बता सकते हो कि आपका आंसर क्या होगा। तो अगर हम लोग देखें इसका आंसर क्या होगा, तो कितने बने, तीन, तीन आंसर कौन सा है, बी, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, तो आपसे क्वेश्चन नंबर 59 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे पूछा है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द स्मॉलेस्ट ईस्टर आर, है ना। स्मॉलेस्ट ईस्टर क्या होगा अपने पास, स्मॉलेस्ट ईस्टर हो जाएगा ये, ये सबसे स्मॉलेस्ट ईस्टर है, इससे छोटा ईस्टर तो हो नहीं सकता, है ना। तो आप क्या बोलोगे सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स वन टू थ्री, तो आप क्या बोलोगे तीन सिग्मा बॉन्ड्स है सर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी आपकी sp2, है ना। और अगर इसमें बात करेंगे आप, तो क्या बोलोगे इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, टोटल चार सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो आप क्या बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी सर sp3, तो आंसर क्या हो जाएगा sp2 एंड sp3। देखते हैं sp2 एंड sp3 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी, तो 59 का आंसर जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की। तो क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज नॉट फंक्शनल आइसोमर्स, क्या पूछा है आपसे, कौन सा फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ क्या है, एक अल्कोहल है और एक क्या आपके पास इस तरह से, इस तरह से एक इथर दिया है,
तो हम लोग जानते हैं कि अगर अल्कोहल और इथर है तो क्या होगा, ये आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। और नंबर ऑफ कार्बन कितने आपके पास, टोटल 4 कार्बन है। ध्यान देना, ये नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नंबर नहीं कर रहा मैं, सिर्फ ये गिन रहा हूँ कि आपके पास 4 कार्बन है या नहीं है, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 4 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला भी इसका सेम ही आएगा। तो आप बोलोगे ये क्या है, ये तो फंक्शनल आइसोमर्स है। लेकिन ध्यान रखिए, क्वेश्चन में नॉट पूछा है, उस चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अगर हम लोग सेकेंड ऑप्शन में देखें, तो सेकेंड ऑप्शन में क्या है, आपको ऐसा लग सकता है कि सर ये नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये भी है। कैसे है, देखिए आप ज़रा ध्यान से, कि आपके पास यहाँ पर क्या, इसकी DU जो आएगी, इसकी क्या आएगी, DU जो आएगी वो कितनी आएगी, 1, क्योंकि हम लोग एक साइक्लिक कंपाउंड है, अगर साइक्लोअल्केन है तो एक साइकिल के लिए हम लोग DU कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 1 का कंट्रीब्यूशन होता है। और यहाँ पर एक पाया बॉन्ड है तो इसका भी DU का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1 का होगा। तो आप सिर्फ क्या देखो, आप टाइप ऑफ एटम देख लो, इसमें क्या है, 4 कार्बन, इसमें भी क्या है, 4 कार्बन, इसमें क्या है, ऑक्सीजन, इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली क्या हो गया आपका, सेम हो गया होगा, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। आप चेक करोगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो आप क्या बोलोगे, ये भी कैसे है, फंक्शनल आइसोमर है। ठीक उसी तरीके से, मतलब मल्टीपल बॉन्ड या रिंग आ जाने से आप DU अगर देख लेते हो तो आपका आंसर वहीं से क्लियर हो जाता है। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर क्या है, एक दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है अपने पास ऐसा, तो आप क्या बोलोगे, सर इसमें भी क्या है, सर देखिए, एक इसकी DU कितनी आएगी, 1, बिकॉज ऑफ 1 पाई बॉन्ड, एंड इसकी भी DU कितनी आएगी, इसकी भी DU आएगी 1, बिकॉज ऑफ 1 पाई बॉन्ड, है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3, नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3, एंड 1 ऑक्सीजन, तो दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या आएगा, सेम। और अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या आया, सेम, तो आप क्या बोलोगे, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो आप क्या बोलोगे, कैसा है, फंक्शनल आइसोमर है, यानी ये भी क्या आपका, फंक्शनल आइसोमर है। तो ऑटोमेटिकली आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर D होना चाहिए। और अगर आप D ध्यान से देखोगे तो दोनों क्या है, सेम मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों कैसे हैं, सेम मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही चीज़ है। अगर आप नेमिंग से देखोगे तो भी पता चल जाएगा, और आपको दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ कि यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों ईस्टर हैं, दोनों कैसे हैं, सेम है, और दोनों के दोनों यहाँ आइडेंटिकल भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी नहीं है, यहाँ पर दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल है। तो ऑप्शन नंबर D जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि D जो ऑप्शन है ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है, एक्चुअल में ये कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, दोनों कैसे हैं आपके, आइडेंटिकल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 में अगर हम लोग आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा आपसे करेक्टली मैच्ड कौन सा है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है और क्या नहीं है। HSS दिया हुआ है आपके पास, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। और दूसरा आपके पास है CL है, BR है, BR है, CL है, ऑप्शन सी है आपके पास, ऐसा कुछ एंड ऐसा कुछ, एंड ऑप्शन डी है आपके पास, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, आप क्या बोलोगे, सर ये और ये डिफरेंस किसका है, पोजीशन का, तो ये तो होनी चाहिए आपकी पोजीशन आइसोमर, तो ये तो लिखा हुआ नहीं है, तो आंसर तो ये नहीं होगा। अब बोला है दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास, अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे सर नंबरिंग होगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसमें भी होगी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो क्या आएगा, दोनों का नॉमेनक्लेचर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यानी दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल, यानी ये दोनों कैसे हैं आपके, आइडेंटिकल। तो अगर आइडेंटिकल हैं तो ऑप्शन में भी क्या दिया है, आइडेंटिकल, तो आंसर तो आपका यहीं से निकल गया, क्या आपके आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, है ना। और बाकी में आपको तो यहाँ देखने से पता चल रहा है ये और ये दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, जबकि इस मॉलिक्यूल में कहीं भी क्लोरीन नहीं है, है ना। और नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये तो सेम है, लेकिन आपके पास यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, और यहाँ कोई क्लोरीन नहीं है, इस वजह से आप क्या बोलोगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो 6 कार्बन हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 कार्बन, ये तो कार्बन भी सेम नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, बहुत सारे रीजंस हैं इस आंसर को पिक ना करने का, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं आएगा। तो ये तो कैसे हैं, नॉन आइडेंटिकल हैं, ये कैसे हैं, नॉन आइडेंटिकल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आंसर अपना नहीं हो सकता है। अगर हम लोग बात करें, मेटामर लिख रहा है, बताइए मेटामर हो सकते हैं क्या ये, नहीं मेटामर नहीं हो सकते। मेटामर अगर होता तो क्या होता, इसमें चेंज करते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, इधर के ग्रुप्स और इधर के ग्रुप चेंज होने चाहिए, और इसका तो मेटामेरिज्म पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसको फिनाइल को उठा के अगर CH3 की जगह लगा देते हो और CH3 की जगह फिनाइल की जगह लगा देते हो तो भी क्या आएगा, आइडेंटिकल आएगा, यानी ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 61 का B जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसका IUPAC 62 का IUPAC नेम क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ये दिया है, इधर OH है और इधर CL। तो आप देखोगे सबसे पहले कि आपके पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, तो आप देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एसिड क्लोराइड है, और अपने पास क्या है, अल्कोहल है, और अपने पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, CL है, तो CL क्या हो गया आपके पास, हैलोजन हो गया। अब आपको इन तीनों में प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, तो आप बोलोगे सर एसिड क्लोराइड की प्रायोरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर एसिड क्लोराइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, यानी नंबर 1 तो यही होगा।
अब अपने पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग क्लॉकवाइज घूम सकते हैं या हम लोग क्या कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। तो दोनों साइड से नंबरिंग क्या आएगी, सेम आएगी। और अगर नंबरिंग सेम आएगी तो प्रायोरिटी कैसे देंगे, अल्फाबेटिकली। तो आप क्या बोलोगे, इधर से ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये क्या हो जाएगा 6। तो ये और ये आपका बच गया एज अ प्रीफिक्स। तो आप क्या बोलोगे, नाम क्या हो जाएगा सर, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले अल्फाबेटिकली, तो ये क्या होगा हाइड्रोक्सी, और इसके लिए क्या आता है क्लोरो। तो आप क्या बोलोगे सर कि 3 पे क्या आएगा सर, क्लोरो। तो हम लोग लिखेंगे 3 पे क्या आएगा, क्लोरो। और 5 पे क्या आएगा सर, तो 5 पे आएगा हाइड्रोक्सी। क्या आएगा 5 पे, क्या आएगा हाइड्रोक्सी। अब इस वाले पार्ट का नाम लिखना है अपने को, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका नाम क्या होता है सर, तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं ऐसा, इसका क्या होता है कि आपके पास बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, क्या होता है बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड नाम हो जाता है इसका। तो आप क्या बोलोगे इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। तो देख लेते हैं कौन सा हम लोगों का इस ऑप्शन से मैच करता है, 3 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी, 3 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी, ये दो ऑप्शन अपने पास आ रहे हैं यहाँ तक। उसके बाद 5 यहाँ क्लोरो, 3 हाइड्रोक्सी और 5 क्लोरो लिखा है, और यहाँ पर हम लोग को चाहिए क्या, 3 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी। तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो गया, 3 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 63। अगर क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे तो वापस से आपसे पूछा है IUPAC ने, तो हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है अपने पास, CH3 CH2 N CH3, और इधर दिया आपके पास CH2 CH3 दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए आप। लॉन्गेस्ट चेन क्या है, 2 कार्बन का, इधर भी 2 कार्बन का, इधर 1 कार्बन का। तो आप बोलो लॉन्गेस्ट चेन सर 2 कार्बन का, बचा क्या, ये बच गया और ये बच गया। तो जो बच गया किससे जुड़ा है, एन से, ये भी किससे जुड़ा है, एन से। तो आप क्या लिखोगे, एन पे क्या है सर, एन पे है इथाइल, एन पे क्या है सर, एन पे इथाइल है। और क्या है, एन पे ही क्या है, मिथाइल है। एन पे क्या है, इथाइल है, और एन पे ही क्या है, मिथाइल है। और 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, इथ, और सिंगल बॉन्ड से तो क्या लिखेंगे, एन, है ना। और अमाइन कितने पे, 1 पे ही है, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, अमाइन लिख सकते हो, है ना। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामाइन। तो हम लोग ढूंढ लेते हैं क्या उनसे ऑप्शन हो जाएगा, एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामाइन, यानी 63 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, एन इथाइल एन मिथाइल एन इथेनामाइन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 पे अगर हम लोग आएँ तो फिर से एक IUPAC का सवाल है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ ब्रोमीन है। तो आप क्या बोलोगे, प्रायोरिटी किसकी है, डबल बॉन्ड की ज़्यादा है, और उस पर एक ऐसा ब्रांच भी लगा है। तो आप बोलोगे ये फर्स्ट हो जाएगा सर, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये बचा है आपके पास और ये बच गया है। तो लिखना तो अल्फाबेटिकली ही नाम होता है, तो क्या बोलेंगे, 3 पे क्या है सर, ब्रोमो है। तो 3 पे क्या है अपने पास, ऐसा ब्रोमो है सर। फिर क्या है, 1 पे क्या है अपने पास, 1 पे ऐसा क्या है, क्लोरो है। मॉलिक्यूल कैसा है, साइक्लिक, तो लिखा साइक्लो। कितने कार्बन है, 6, तो लिखा हेक्स। सिंगल बॉन्ड है क्या, नहीं डबल बॉन्ड है। कितने नंबर पे है, 1 पे है, तो आप ऐसा 1-in भी लिख सकते हो अगर ऑप्शन में होता है तो, और नहीं है तो डायरेक्ट आप हेक्सीन भी देख सकते हो, वो भी आंसर सही होता है। तो हम लोग देखते हैं किसमें आंसर मैच करता है अपना, कि 3 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 ब्रोमो, एक ही ऑप्शन है, तो आंसर तो यहीं से क्लियर हो जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग आगे देख लेंगे, 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन हो गया। तो ऑप्शन कौन सा अपना करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका 64 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। तो अगर क्वेश्चन नंबर 65 में आएंगे तो आपसे क्या पूछा है, C2 और C3 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। तो आपसे क्या है, मॉलिक्यूल लिख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड और CH, है ना। इसको कहना है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, है ना, 6 दिए। आपसे पूछा है कौन सा वाला, C2 और C3, यानी इसका और इसका पूछा है आपसे, है ना, राइट। तो आप क्या बोलोगे, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, यानी एक यहाँ से सिग्मा, एक यहाँ से सिग्मा और एक हाइड्रोजन वाला, तो टोटल कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई अपनी, sp2 हो गई। और इसमें आएंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 हाइड्रोजन वाले सिग्मा, टोटल 4 सिग्मा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी आपकी, sp3 हो जाएगी। तो आप क्या बोलोगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका सर, sp2 and sp3। देख लेते हैं कौन सा आंसर है अपना, sp2 and sp3, तो ऑप्शन नंबर सी। तो 65 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 66 पे चलें, तो क्वेश्चन नंबर 66 फिर से एक IUPAC का सवाल है। तो आप देखोगे CH3 CH CH2 CH3 CH CH CH3, और इस पे जुड़ा है आपके पास CH3, इधर आपके पास CH2 CH3। तो आप सबसे पहले क्या ढूंढोगे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढोगे। तो मुझे जो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर दिख रही है साफ साफ, वो आप देखो, यहाँ से ये 1, ये 2,
ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। अगर आप यहाँ चलोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 का चेन है, 1, 2, 3, 4, 5 का चेन है, 1, 2, 3, 4, 5 का चेन है। तो ये आपके क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप बोलोगे सर ये वाला भी लॉन्गेस्ट चेन है। अगर आप इस लॉन्गेस्ट चेन से चलते हो तो आपको क्या दिखता है, एक ब्रांच आपके पास कौन सा आएगा, इस वाले को अगर आप मानते हो चेन, मेन चेन मानते हो, तो एक ब्रांच ये आएगा और एक ब्रांच ये आएगा, तो कितने ब्रांच मिलेंगे, 2, राइट। लेकिन अगर आप इस वाले से चलते हो 6 कार्बन में, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए आपके मेन चेन में, तो आप क्या बोलते हो, इस वाले से अगर चलते हैं सर तो मेरे पास कितने ब्रांच आते हैं, 1, 2 और 3। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन में सेम हो जाते हैं तो आप उस चेन को प्रेफर करोगे जहां पर आपके पास क्या होगी, ब्रांचिंग ज्यादा होगी, जहां पर ब्रांचिंग क्या होगी आपके पास ज्यादा होगी। तो अगर आप यहां से करोगे तो आप क्या बोल सकते हो, अब प्रायोरिटी डिसाइड हो गई, नंबरिंग हम लोग कर लिया, अब नाम लिखने के बारी है। तो आपके पास क्या इथाइल भी है और मिथाइल भी है, तो लिखना तो अल्फाबेटिकली है, तो हम लोग लिखेंगे 3 पे क्या है सर, 3 पे इथाइल है और मिथाइल कहाँ है, 2 पे और 4 पे, तो लिखेंगे 2, 4, कितनी बार, 2 बार, तो लिखा डाई और क्या है 2 बार, मिथाइल, तो लिखा डाई मिथाइल, राइट। और फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6, तो लिखेंगे 6 है तो कितने, हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दिया, एन। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 3-ethyl-2,4-dimethylhexane। देख लेते हैं कौन सा वाला है, तो 3-ethyl-2,4-dimethylhexane, तो 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन, और इसका पहला क्वेश्चन है 67, इसमें पूछा है हाउ मेनी डी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन क्रोमियम 2+ आयन। तो वी नो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24 और इसकी एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि है आर्गन 3d5 4s1। तो इसके 3d सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि ये एक हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमें दिया है क्रोमियम 2+ आयन, तो हमें इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ताकि ये बनेगा क्रोमियम 2+। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम आउटर मोस्ट 4s सबशेल में से, तो ये बन जाएगा 4s0। और उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो निकालेंगे 3d में से, तो ये बन जाएगा 3d4। तो ये है क्रोमियम 2+ की कॉन्फ़िगरेशन, और इसकी अगर हम कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d4। तो वी कैन सी कि d इलेक्ट्रॉन्स टोटल है इसके अंदर 4, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन d 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68, इसमें पूछा है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1 h बाय 2π, जहां पे l है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड वी नो s ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है l 0। तो अगर हम l की वैल्यू 0 यहां पुट करें तो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 0 इंटू 0 प्लस 1 h बाय 2π एंड दिस इज 0। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन b 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69, इसमें पूछा है रेडियल नोड्स प्रेजेंट इन 3s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर रेस्पेक्टिवली। तो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n-l-1, जहां पे n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर हम देखें 3s ऑर्बिटल, तो 3s ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हो जाएंगे, n की वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3 माइनस एजीमुथल क्वांटम नंबर s ऑर्बिटल के लिए होता है 0 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2। और इसके साथ 2p ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हो जाएंगे n-l-1, n की वैल्यू है 2 और p ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है 1, सो 2-1-1 ये है 0, तो इसके अंदर है 0 रेडियल नोड्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2,0, सो द आंसर इज b 2,0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70, इसमें पूछा है द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ वुड बी। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10^6 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। सो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर एनी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और लिथियम 2+ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम z को कांस्टेंट रखें, अगर हम एटॉमिक नंबर कांस्टेंट रखें, तो वेलोसिटी n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिट नंबर। इसका मतलब है वेलोसिटी इन द थर्ड ऑर्बिट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ ऑर्बिट, ये हो जाएगा 5/3।
क्योंकि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट नंबर. सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा बी, 5:3 इज द रेशियो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71. इसमें पूछा है द एनर्जी रेशियो ऑफ फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम एंड 6000 एंगस्ट्रॉम इज. तो पहला फोटोन का वेवलेंथ मान लेते हैं लैम्डा 1, ये है 3000 एंगस्ट्रॉम, और जो दूसरा फोटोन है उसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 है 6000 एंगस्ट्रॉम. एंड वी नो कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन का फॉर्मूला है hc/लैम्डा. इसका मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ फोटोन. इसका मतलब एनर्जी ऑफ द फर्स्ट फोटोन डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ द सेकेंड फोटोन, दिस रेशियो विल बी इक्वल टू लैम्डा 2/लैम्डा 1. इवन बाय E2 इज लैम्डा 2/लैम्डा 1, बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. तो ये बन जाएगा लैम्डा 2 है 6000 एंड लैम्डा 1 है 3000 एंगस्ट्रॉम, तो दिस रेशियो इज 2/1. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, 2:1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72. इसमें पूछा है करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ रूबीडियम एटॉमिक नंबर Z37 इज. सो रूबीडियम वी नो इट, ये एक एल्केली मेटल है जो फर्स्ट ग्रुप में है और फिफ्थ पीरियड में है. एटॉमिक नंबर दिया है 37. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है क्रिप्टॉन, इसका नियरेस्ट नोबल गैस उसके बाद 5s1. तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 5s सबशेल में. तो इसके लिए 4 क्वांटम नंबर्स हो जाएंगे n. n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हो जाएगा 5. और इसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर l, ये s ऑर्बिटल में है तो s ऑर्बिटल के लिए l होता है 0, और l की वैल्यू 0 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू भी 0 ही होती है. एंड स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू हो सकती है प्लस या माइनस हाफ. सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, 5, 0, 0, ±2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73. इसमें पूछा है द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ बॉल ऑफ मास 1 kg हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी 0.5 जूल इज. सो बॉल का मास m दिया है 1 kg और काइनेटिक एनर्जी इसकी वैल्यू दी है 0.5 जूल. और डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक एक्सप्रेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m(kinetic energy), जहाँ पे h है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. तो अगर हम वैल्यूज पुट करें तो ये बन जाएगा h/√2 × mass है 1 kg और काइनेटिक एनर्जी है 0.5, और सारी वैल्यूज SI यूनिट में है तो ये 2 × 0.5 ये बन गया 1. सो दिस गिव्स अस डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू हो जाएगी प्लैंक्स कॉन्स्टेंट h की वैल्यू के बराबर, और h की न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.626 × 10⁻³⁴. तो यही हो जाएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा. तो आंसर विल बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74. इसमें पूछा है इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज ए, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इज नियरली. सो पहली ऑर्बिट का रेडियस r1 दिया है a, और हमें पता है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का एक्सप्रेशन होता है 0.529 × n² / z. तो अगर एटॉमिक नंबर सेम हो तो वी कैन क्लियरली सी कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² विच इज ऑर्बिट नंबर का स्क्वायर. इसका मतलब रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ये हो जाएगा 3² / 1². इसका मतलब रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट वी कैन राइट एज 9r1. और हमने देखा था रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट है a, इसका मतलब रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट बिकम्स 9a. तो ये है थर्ड ऑर्बिट का रेडियस. और डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए हमें एक रिलेशन पता है 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा. तो अगर हम इसके अंदर वैल्यूज को रखें ये बन जाएगा 2π, और रेडियस है रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ये है 9a, 2π 9a, और n इज द ऑर्बिट नंबर विच इज 3 एंड लैम्डा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ. तो यहाँ से मिलेगा हमें लैम्डा इज इक्वल टू दिस आफ्टर सॉल्विंग बिकम्स 6πa. सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75. इसमें पूछा है इन हाइड्रोजन एटम एन ऑर्बिट हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 16.92 angstrom, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड. तो हमें दिया है डायमीटर 16.92 angstrom, उस ऑर्बिट का
तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट हो जाएगा डायमीटर बाई 2 विच इज 16.92 एंगस्ट्रॉम बाई 2 और ये हो जाएगा 8.46 एंगस्ट्रॉम। तो ये है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। और हमें पता है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। और हमें गिवन ऑर्बिट के लिए रेडियस मिली है 8.46 एंगस्ट्रॉम। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करें वी कैन फाइंड द ऑर्बिट नंबर n। तो यहाँ पुट करते हैं ये आ जाएगा रेडियस है 8.46। सो 8.46 इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर, एन इज द ऑर्बिट नंबर और एटॉमिक नंबर है जेड है 1 क्योंकि हमें दिया है हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ से मिलेगा हमें एन स्क्वायर इज इक्वल टू 8.46 बाई 0.529 एंड दिस इज नियरली 16। सो एन स्क्वायर है 16, इसका मतलब ऑर्बिट नंबर एन है 4 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो ऑर्बिट नंबर आ गया है 4 हमारे पास और हमें पूछा है कि इस ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। सो किसी भी ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ सकते हैं उसका फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर बन जाएगा 2 इंटू और n की वैल्यू है 4, सो 2 इंटू 4 का स्क्वायर दिस इज 16 इंटू 2 32। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए 32। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76। इस क्वेश्चन में पूछा है uncertainty in position of a particle of 25 gram in space is 10 to the power minus 5 meter, hence uncertainty in velocity is। तो हमें uncertainty in position delta x दिया है 10 to the power minus 5 meter और हमें mass of particle m दिया है 25 grams और ये kg में हो जाएगा which is SI unit 0.025 kg। और Heisenberg's uncertainty principle से हमारे पास एक relation है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4πm। यहाँ पे डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा वी है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट और एम है मास ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ से मिलेगा हमें अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4πm इंटू डेल्टा एक्स। तो अगर हम सारी वैल्यूज पुट करें इसके अंदर तो ये बन जाएगा डेल्टा वी, प्लैंक्स कांस्टेंट एच है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, सारी वैल्यूज पुट करेंगे हम एसआई यूनिट में एंड देन वी हैव 4πm डेल्टा एक्स। तो 4π इज वी कैन टेक 3.14 और मास है 0.025 और डेल्टा एक्स है 10 टू द पावर माइनस 5। तो इसको सॉल्व करने पे दिस कम्स आउट टू बी नियरली 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 मीटर पर सेकेंड। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77। इसमें पूछा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एल एनर्जी लेवल। सो हमें पता है के एनर्जी लेवल या के शेल होता है एन इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट एनर्जी लेवल। उसके बाद एल एनर्जी लेवल है एन इक्वल टू 2। सो ये है सेकेंड ऑर्बिट और किसी भी ऑर्बिट के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। nth ऑर्बिट में टोटल ऑर्बिटल्स आर एन स्क्वायर, सो एन इक्वल टू 2 में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 2 स्क्वायर विच इज 4। सो गिवन ऑप्शंस में आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78। इसमें पूछा है कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम जेड इक्वल टू 24, द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एजीमुथल क्वांटम नंबर्स एल इक्वल टू 1 एंड 2 आर रेस्पेक्टिवली। तो हमें देखना है कि क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके लिए L1 है और L2 है। L इक्वल टू 1 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स P सबशेल में है और L की वैल्यू 2 होती है फॉर D ऑर्बिटल। तो हमें देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स D सबशेल में है और P सबशेल में है। देखते हैं क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 एंड 4s1। तो ये है क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो P सबशेल के अंदर जिसका एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है 1, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे 6, 6 प्लस 3p में 6 हैं तो टोटल है 12। और एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 2 मतलब कि D सबशेल में हम देख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 5, तो आंसर होगा 12.5। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79। इसमें पूछा है
व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड प्रोड्यूस्ड इन अ लाइन इन द लाइमन सीरीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम फोर्थ स्टेशनरी स्टेट इन हाइड्रोजन एटम. तो ये एक लाइमन सीरीज की लाइन है. तो हमें पता है जो लोअर एनर्जी लेवल होगा वो है N1 is equal to 1. और जो हायर एनर्जी लेवल वो क्वेश्चन में दिया है फोर्थ स्टेशनरी स्टेट N2 is 4. और हमें देखना है कि जो रेडिएशन होगी उसकी वेवलेंथ कितनी है. तो हमें पता है रिडबर्ग्स इक्वेशन है 1 by lambda is equal to RH Z square 1 by N1 square minus 1 by N2 square. तो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो यहाँ से मिलेगा हमें 1 by lambda is equal to रिडबर्ग्स कांस्टेंट RH है 1.1 into 10 to the power 7. एटॉमिक नंबर Z हाइड्रोजन एटम के लिए होगा 1. सो RH Z square into 1 by N1 square. सो लोअर एनर्जी लेवल N1 है 1. सो 1 by N1 square is 1 square minus 1 by N2 square. सो N2 यहाँ पे है 4. सो 4 का square. सो इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें ये बनेगा 1.1 into 10 to the power 7 into 1 minus 1 by 16. This is 1 by lambda. तो ऑन सॉल्विंग दिस ये आ जाता है लेमडा कम्स आउट टू बी 96.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. अप्रोक्सीमेटली इतना आता है. सो अगर हम इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करें दिस कम्स आउट टू बी 96.97 नैनोमीटर. सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80. इसमें पूछा है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम is 13.6 electron volt. What will be the ionization energy of helium plus? So helium plus ek single electron species hai, just like hydrogen. Aur single electron species ke liye ionization energy ka formula hota hai 13.6 into z square electron volt, where z is the atomic number. So helium plus ke liye atomic number z hai 2. To isse hum yahan put karenge. So ionization energy of helium plus, this will be 13.6 into 2 ka square electron volt, and this is 54.4 electron volt. So given options mein hamara answer hoga B. Next question is 81. Isme pucha hai which one of the following represents the correct order of electronegativity, aur options mein hame elements diye hain nitrogen, oxygen aur phosphorus. Ab electronegativity ka general trend in the periodic table hai. जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इंक्रीज, एंड एज वी गो डाउन द ग्रुप या फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. सो गिवन एलिमेंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही सेकेंड पीरियड में है, और नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दोनों है सेम ग्रुप में, विच इज ग्रुप नंबर 15. तो अगर हम जनरल ट्रेंड को फॉलो करें सो एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी. सो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, एंड एज वी गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होगी. सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये हमें दिया है ऑप्शन सी में. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82. इसमें पूछा है the element having highest electron affinities, options mein given hai bromine, iodine, fluorine and chlorine. To ye sabhi elements hain halogen family mein, group number 17, fluorine, chlorine, bromine aur iodine. Aur ye hai fluorine second period mein aur chlorine hai third period mein. To electron affinity ka general trend ye hai ki as we go down the group electron affinity decreases. To iske hisab se sabse zyada electron affinity honi chahiye fluorine ka, lekin फ्लोरीन है सेकेंड पीरियड में और क्लोरीन है थर्ड पीरियड में. और हमें ध्यान रखना है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें सेकेंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कम होती है इन द सेम ग्रुप. इसका रीज़न ये है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की साइज बहुत छोटी होती है, और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है इट फेसेस रिपल्शंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, और उस वजह से उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती है. इस वजह से थर्ड पीरियड एलिमेंट इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होगी. सो क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन दिस ग्रुप. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर हो जाएगा क्लोरीन की हाईएस्ट है, उसके बाद फ्लोरीन, एंड देन वी हैव ब्रोमीन, एंड देन वी हैव आयोडीन. सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लोरीन.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83। इसमें पूछा है सोडियम फॉर्म्स Na+ आयन बट इट डज नॉट फॉर्म Na2+ बिकॉज ऑफ। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, एक एल्कली मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो वी कैन सी इसके वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करेगा और इस वजह से पहला इलेक्ट्रॉन बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब इट विल हैव लो वैल्यू ऑफ IE1। इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम होगा, तो ये बन जाएगा Na+। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बन जाएगा Na+, और Na+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6। अब ये एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा हाई। सो हाई वैल्यू ऑफ IE2। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, लो वैल्यू ऑफ IE1 एंड हाई वैल्यू ऑफ IE2। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो Na2+ नहीं बनेगा और Na+ बहुत ही ईजिली बन जाएगा। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84। इसमें पूछा है द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड इज, और हमें चार ऑप्शंस गिवन है। तो ऑक्साइड्स के एसिडिक नेचर का ट्रेंड होता है एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, एंड एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। तो हमें ऑप्शंस में गिवन है ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और एल्यूमिनियम। तो देखते हैं इनकी पोजीशंस क्या है इन द पीरियोडिक टेबल। सो थर्ड पीरियड में हमारे पास है सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, तो ये सभी एक ही पीरियड में है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड मैग्नीशियम है सेकेंड ग्रुप में और मैग्नीशियम के नीचे है कैल्शियम। तो अगर हम ट्रेंड फॉलो करें तो एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, तो इस हिसाब से एल्यूमिनियम की एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगी, और मैग्नीशियम और कैल्शियम में जाएंगे तो कैल्शियम का एसिडिक नेचर मैग्नीशियम से भी कम होगा। सो इसका मतलब गिवन ऑक्साइड्स में एल्यूमिनियम की ऑक्साइड का एसिडिक नेचर हाईएस्ट है, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85। इसमें पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर O, O+ एंड O- इज। तो अगर सेम एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हों तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, जिसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सो गिवन स्पीशीज में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है O+ के लिए, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगी, उसके बाद में ऑक्सीजन एटम, एंड उसके बाद में O-, जिसके ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो दिस विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86। इसमें पूछा है द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकन आर इन द ऑर्डर। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम जाते हैं इन अ पीरियड, सो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। सो गिवन एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, ये सभी हैं थर्ड पीरियड में। सो अगर हम जनरल ट्रेंड फॉलो करें तो सोडियम से मैग्नीशियम पे जाएंगे, सो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल विल इंक्रीज, एंड एल्यूमिनियम से सिलिकन पे जाएंगे तो भी आयनाइजेशन पोटेंशियल विल इंक्रीज। यहाँ पे जनरल ट्रेंड फॉलो कर रहा है, लेकिन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में एक्सेप्शन है। मैग्नीशियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो है नियॉन 3s2, और एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है नियॉन 3s2 3p1। तो इसमें जो हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे मैग्नीशियम में वो जाएगा 3s से, और एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p से, एंड वी नो 3s हैज हायर पेनिट्रेशन पावर देन 3p, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना इज मोर डिफिकल्ट फ्रॉम मैग्नीशियम देन एल्यूमिनियम, और इस वजह से इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द साइज ऑफ Fe3+, Fe एंड Fe2+। तो सेम एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए अगर हमें साइज कंपेयर करना है तो वी नो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होता है तो उस एलिमेंट के लिए साइज उतनी ही छोटी होती है।
सो गिवन स्पीशीज में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है Fe3+ के लिए, सो दिस विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज, उसके बाद में होगा हमारे पास Fe2+ एंड देन उसके बाद वी हैव Fe, सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88, इसमें पूछा है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर रेस्पेक्टिवली गिवन बाय. सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही सेम पीरियड में है इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2, 2s2, 2p3. तो एक ये स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है. इसमें अगर हम 2p का बॉक्स डायग्राम देखें तो हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन. जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2, 2s2, 2p4. तो नाइट्रोजन की स्टेबल कॉन्फिगरेशन की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन, और इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन. सो गिवन ऑप्शंस में सिर्फ पहला ऑप्शन है जहां पे पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है, और इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89, इसमें पूछा है एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स आर रेस्पेक्टिवली गिवन बाय. तो फ्लोरीन और नियॉन दोनों ही सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और फ्लोरीन के बाद में आता है नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 9 और नियॉन का है 10. अब फ्लोरीन के लिए हम रिपोर्ट करते हैं कोवेलेंट रेडियस, और नियॉन एक नोबल गैस है और इसके लिए रिपोर्ट करते हैं हम वंडरवॉल रेडियस. एंड वी नो वंडरवॉल रेडियस की रिपोर्टेड वैल्यू काफ़ी हाई होती है, एंड इस वजह से रेडियस ऑफ नियॉन, एटॉमिक रेडियस ऑफ नियॉन इज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन. सो गिवन ऑप्शंस में सिर्फ ऑप्शन सी है जहां पे सेकेंड वैल्यू इज लार्जर देन द फर्स्ट वैल्यू, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 90, इसमें पूछा है द फर्स्ट फोर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ऑफ एन एलिमेंट आर 190, 578, 872 एंड 5960 किलो कैलोरी. द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट इज. तो अगर हम गिवन डेटा को देखें तो वी कैन सी जो पहली तीन IE वैल्यूज है, IE1, IE2, IE3, इनकी वैल्यूज काफ़ी पास हैं, और IE3 और IE4 में एक बहुत बड़ा गैप है. इसका मतलब ये है कि तीन इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद में जो एलिमेंट है या जो एटम है, इट हैज़ गेन्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और इस वजह से फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है. तो तीन इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद में इसे स्टेबिलिटी मिली है, इसका मतलब इसमें है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91, इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटालॉइड, और हमें ऑप्शंस में गिवन है नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स. नाउ वी नो सेम ग्रुप के अंदर एज वी गो डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर इंक्रीजेस. तो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ. तो एज वी गो डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, और नाइट्रोजन फॉस्फोरस हमें याद रखना है दे आर नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंड एंटीमनी दे आर मेटालॉइड्स, एंड बिस्मिथ इज अ मेटल. सो गिवन ऑप्शंस में मेटालॉइड हमें दिया है बी, एंटीमनी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी. सेक्शन बी में जो सवाल है आपका, सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 92. इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज द लीस्ट स्टेबल, है ना. आपसे पूछा है सबसे लीस्ट स्टेबल ब्यूटेन का कौन सा होगा. तो ब्यूटेन अपने पास क्या है, CH3, CH2, CH2 और CH3. एक काम करते हैं हम लोग, रोटेशंस कराकर देख लेते हैं कि कौन सा अपना होगा, है ना. मतलब ऐसे तो डायरेक्ट आपको आंसर पहले भी पता होगा कि इसमें क्या होगा. अगर बोला है लीस्ट स्टेबल तो फुल्ली इक्लिप्स्ड क्या होगा आपका आंसर होगा. लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा कि अगर हम लोग क्या करें, स्टार्ट करते हैं अगर ड्रॉ करना. मान लेते हैं ये फ्रंट कार्बन है और ये क्या है, बैक कार्बन है इस वाले में. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं किस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो. तो आप बोलोगे फ्रंट पे क्या है सर, टॉप पे क्या लगा दिया. मान लो ऐसा CH3 कहीं भी लगा सकते हो आप, लेकिन ऐसे ही मैंने मान लीजिए यहाँ पे लगा दिया. तो बाकी क्या है, दो हाइड्रोजन है, एक मिथाइल लगा दिया. और बैक पे भी क्या है अपने पास, देखो एक मिथाइल दो हाइड्रोजन है. तो मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस पे लगा देता हूँ CH3, ठीक है. तो यहाँ क्या हो जाएगा H, और यहाँ क्या हो जाएगा H. तो अभी मान लो मैं इसको रोटेट अगर करता हूँ 60 डिग्री से, तो मैं फ्रंट को फिक्स रख के बैक को रोटेट कर रहा हूँ.
तो क्या होगा, फ्रंट जैसा था वैसा ही बनाऊंगा मैं। कैसा क्या है, CH3, इधर क्या है आपके पास H, और इधर क्या है आपके पास H। मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ बैक के लिए ताकि आपको क्लैरिटी आए थोड़ी ज्यादा। और तो अगर बैक अगर रोटेट कर रहा है तो बताओ क्या होगा, ये वाला CH3 घूम के यहाँ जाएगा, ये वाला H घूम के यहाँ जाएगा, और ये H घूम के यहाँ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ क्या आ गया CH3, और यहाँ क्या आ गया आपके पास H, और यहाँ क्या आ गया आपके पास H। ठीक है, अगर मैं इसको एक बार और रोटेट करता हूँ तो फ्रंट तो अपना क्या है फिक्स है। तो अगर फ्रंट को मैंने वही रखा है तो ऐसे टॉप पे जो था वही रख रहा हूँ, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ क्या है H, और यहाँ क्या है H। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा बैक बनाऊँ तो अगर मैं बैक रोटेट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, बैक रोटेट करूँगा तो CH3 घूम के यहाँ जाएगा, ये H घूम के यहाँ जाएगा, ये H घूम के यहाँ जाएगा, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से इक्लिप्स बनेगा, ऐसा स्टैगर्ड इक्लिप्स ऐसा ही चलता रहता है ना। तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर कौन आ गया सर घूम के, यहाँ तो CH3 आ गया, यहाँ कौन है सर H है, और यहाँ क्या है आपके पास H है। ठीक है, अब आप देखो ये जो है ये क्या अपना क्या कहलाता है, परफेक्टली इक्लिप्स्ड। क्या कहलाता है, परफेक्टली इक्लिप्स्ड कहलाता है। क्यों परफेक्टली इक्लिप्स्ड क्यों कहलाता है सर, क्योंकि इसमें ये पूरा का पूरा ढक लेगा ना, जैसा टॉप पे फ्रंट पे है वैसा ही बैक पे है, जैसा फ्रंट पे है वैसा बैक पे, जैसा फ्रंट पे वैसा बैक पे, तो पूरा का पूरा ढक लेगा। तो अगर पूरा का पूरा ढक लिया तो ऐसा बोलते हैं चांद्र में ग्रहण लग गया तो बोलेंगे इक्लिप्स हो गया। तो क्या बोलेंगे, इक्लिप्स हो गया, तो कैसे इक्लिप्स, परफेक्टली इक्लिप्स। लेकिन अगर एडजेसेंट पे ऐसा लगा होता है बल्कि ग्रुप्स आपके पास, या दो ग्रुप्स ऐसे एडजेसेंट पे लगे होते हैं, तो आप क्या बोलते हैं इसको, ये कैसा है सर गॉस है, ये कैसा है सर गॉस है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये देखो टॉप पे कौन है CH3, बैक पे कौन है H, टॉप पे कौन है H, पीछे कौन है CH3, क्या पूरा पूरा ढक पाएगा, नहीं ढक पाएगा। तो आप क्या बोलोगे, ये कैसा है सर पार्शियली इक्लिप्स्ड, कैसा है पार्शियली इक्लिप्स्ड, है ना। तो आपसे पूछा है कि कौन लीस्ट स्टेबल होगा, तो अगर हम लोग बात करें एंटी की, तो एक बार और आप रोटेट करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ऐसा एंटी बन जाएगा, है ना। तो अगर मैं इस पर फिर से एंटी भी बना के दिखा दूँ आपको कि ऐसा CH3 यहीं है, और यहाँ क्या H, और यहाँ क्या H, और अगर हम लोग ऐसा बैक बनाएं तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसा CH3, यहाँ क्या हो जाएगा H, और यहाँ क्या हो जाएगा H। तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर एक दूसरे का अपोजिट है, तो बोलते हैं ना ऐसा एंटी पार्टी है, विरोधी पार्टी है। तो आप क्या बोलोगे, एंटी है। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर ये कैसा है, इसका नाम होता है एंटी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, आपसे क्वेश्चन सिंपल पूछा है कि इनमें से लीस्ट स्टेबल कौन होगा। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा लीस्ट स्टेबल कौन होगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इक्लिप्स को कैप्चर करेंगे, क्योंकि इक्लिप्स ही क्या होगा लीस्ट स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, टॉर्जनल स्ट्रेन कम होगा, यहाँ पर टॉर्जनल स्ट्रेन ज़्यादा होगा, यहाँ पर टॉर्जनल स्ट्रेन कम होगा। तो अपना आंसर क्या होगा, दो में से कोई एक हो सकता है, या तो परफेक्टली इक्लिप्स या तो पार्शियली इक्लिप्स हो सकता है। अब इन दोनों में क्या देखेंगे, टॉर्जनल तो सेम है, तो क्या देखेंगे, वैंडरवॉल, क्या देखेंगे, वैंडरवॉल। तो बताओ यहाँ पर दोनों ग्रुप साथ साथ लगे हुए हैं, तो इनमें रिपल्शन क्या होगा, वैंडरवाल रिपल्शन ज़्यादा होगा, यानी वैंडरवाल स्ट्रेन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और वैंडरवाल स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो ये हाईली क्या होंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। तो अगर आप ऑर्डर की बात करोगे तो आपका सबसे ज़्यादा जो स्टेबल हो जाएगा वो कौन होगा, सबसे स्टेबल कौन होता है, एंटी, फिर कौन आएगा आपके पास गॉस, उसके बाद कौन आएगा आपके पास पार्शियली इक्लिप्स, और सबसे हाईली अनस्टेबल जो होता है वो क्या होता है, परफेक्टली इक्लिप्स होता है। तो इसका आंसर जो है, यहाँ पर अगर परफेक्टली इक्लिप्स नहीं दिया है तो क्या लिखा है, फुल्ली इक्लिप्स लिखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, फुल्ली इक्लिप्स जो है, ऑप्शन डी जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है फिर से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का एक क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 93, इसमें आपसे पूछा है कि टोटल द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। क्या दिया आपने पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और सिंगल बॉन्ड C2H5। तो फिर से हम लोग देखेंगे GI शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप बोलोगे ये वाला डबल बॉन्ड GI शो कर रहा है सर, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि एक क्या है H, एक क्या है CH3, ग्रुप डिफरेंट है। अगर आप देखोगे इसमें तो एक H, एक ये बड़ा सा ग्रुप डिफरेंट है। इस वाले में अगर आएंगे तो ये भी GI शो कर रहा है, एक H, एक इधर का ग्रुप डिफरेंट है, एक H और एक C2H5, ग्रुप कैसा है, डिफरेंट है। तो दोनों GI शो करेंगे, और चूंकि अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो फिर 2n यानी 2 आंसर कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है तो n की वैल्यू 2, जो GI शो कर रहे हैं वो 2 थे, और 2 पे पावर 2, आंसर कितना हो गया 4। तो आंसर हो जाएगा अपना 93 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमरिज्म इज शोन बाय एल्कीन्स बट नॉट बाय एल्केन्स। तो कॉन्फर्मेशनल जो है आपके पास वो क्या करेगा, एल्कीन शो कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे शो कर सकते हैं, देखो एल्कीन शो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इधर दे दूँ मान लो ऐसा H दूँ, लेकिन इधर मैं ऐसा CH3 दे दूँ और यहाँ H दे दूँ, तो बताओ ये जो है ये यहाँ से सिग्मा बॉन्ड के अराउंड ऐसा रोटेशन करा सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, एल्कीन्स जो है वो क्या करेंगे आपके पास, कॉन्फर्मेशनल शो कर सकते हैं, है ना। और अगर बात करें कि क्या ये ज्योमेट्रिकल शो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मतलब पूछा अल्केन नहीं शो करना चाहिए, तो एक अल्केन वाला केस ले लेते हैं। जैसे मान लो मैं इसको ऐसा CH3 बना देता हूँ ताकि आपको बाकी केस भी हो जाए, तो ये क्या करेगा, कॉन्फर्मेशनल तो करेगा ही करेगा, कॉन्फर्मेशनल करेगा ही करेगा, है ना।
और साथ साथ क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल भी करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी करेगा, दोनों करेगा। लेकिन बोला है कि अल्केन, जो अल्कीन है वो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म शोन बाय अल्कीन, कि अल्कीन तो शो करना चाहिए लेकिन अल्केन शो नहीं करना चाहिए। तो क्या अल्केन जी आई शो कर सकता है क्या? नहीं, अल्केन जो है वो जी आई शो नहीं कर सकता। ऐसे मैंने लिखा CH3, CH2, CH3, या आप दो कार्बन का भी एग्जांपल ले सकते हो। तो बताओ, अगर आप बात करोगे तो क्या बोलोगे आप, यहाँ से सर फ्री रोटेशन हो सकता है, यहाँ से भी हम फ्री रोटेशन करा सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे, सर इसमें कॉन्फर्मेशनल तो हो जाएगा, कॉन्फर्मेशनल तो हो जाएगा सर, लेकिन जी आई जो है वो शो नहीं कर सकता। तो क्या पूछा था आपसे, ऐसा कौन सा होगा आइसोमरिज्म जो अल्कीन तो शो कर सकता है लेकिन अल्केन शो नहीं कर सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑप्टिकल है वो ऑप्टिकल क्या शो कर सकता है बताओ, अल्कीन भी शो कर सकता है और अल्केन भी शो कर सकता है। बताओ कॉन्फर्मेशनल क्या है आपके पास, कॉन्फर्मेशनल अल्कीन भी शो कर सकता है और अल्केन भी शो कर सकता है ना। और चेन में भी तो है ही आपके पास, अल्कीन भी शो कर सकता है और अल्केन भी शो कर सकता है ना। चेन में तो दोनों ही शो कर सकते हैं ना, आपके पास अल्कीन भी शो करेगा और आपके पास अल्केन भी करेगा। जैसे लेट सपोज अगर ऐसा चार कार्बन का दिया और मैंने ऐसे ब्रांच लगा दिया, देखो अल्केन शो कर रहा है चेन आइसोमर्स। और अगर मान लो ऐसा अल्कीन बना दिया मैंने, है ना, ऐसा अल्कीन बना दिया मैंने, ऐसा तीन कार्बन लगा दिया, तो बताओ ये भी क्या करेगा आपके पास, चेन आइसोमर्स बना रहा है। तो आप क्या बोलोगे, चेन आइसोमर्स अल्कीन भी शो कर रहा है और अल्केन भी शो कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है वो अल्केन शो नहीं करेंगे लेकिन अल्कीन शो कर सकता है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 94 का ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 95। तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 95 की, क्वेश्चन नंबर 95 में क्या दिया आपके पास, इस तरह से यहाँ है COOH, यहाँ है NH2 और यहाँ पे आपके पास BR। तो हम लोग जानते हैं प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो आप क्या बोलोगे, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट, आप किधर से आएंगे, इधर से नंबरिंग कम आएगा, तो आप बोलोगे ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये बच गया और ये बच गया। तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, NH2 का क्या होता है अमाइनो और BR का तो क्या होगा ब्रोमो, तो पहले कौन लिखेंगे अमाइनो। तो 5 पे क्या है अपने पास, ऐसा अमाइनो है और 2 पे ऐसा क्या है आपके पास, ऐसा हाँ ब्रोमो है ना। तो हो गया 5 अमाइनो 2 ब्रोमो। अब मॉलिक्यूल कैसा है, साइक्लिक है, तो लिखेंगे साइक्लो और फिर क्या लिखेंगे हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन। ध्यान रहे यहाँ ओइक एसिड नहीं आएगा क्योंकि COH आपका ऐसा मेन चेन से जुड़ा हुआ तो है लेकिन इसका कार्बन आपका चेन में नहीं आया, तो ऐसे केसेस में इसका स्पेशल नेम यूज़ करते हैं जो क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, सर इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया 5 अमाइनो 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 अमाइनो 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, और चूंकि 1 पे है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 1 पे है, तो इसलिए यहाँ पे 1 पे आप लिख भी सकते हो, 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता है लेकिन ऑप्शन में अगर दिया है तो चलिए हम लोग पिक कर लेते हैं कि क्या हो जाएगा, हो जाएगा आंसर। तो क्या है, 5 अमाइनो 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसका ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 96। अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 96 में बोला है 4 मिथाइल हेक्स 5 एन 3 ऑल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आप तो डायरेक्ट ऐसे बना के देख सकते हो इस क्वेश्चन में, और या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो कि पहले एक एक करके मॉलिक्यूल में यहाँ नंबरिंग करो और फिर करो। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप खुद से बना लो और मैच कर लो कौन सा ऑप्शन उससे मैच कर रहा है, या फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं सर मैं नंबरिंग से करूँगा तो आप नंबरिंग करके भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप ऐसे खुद से निकाल के आंसर मैच कर लो, वो ज़्यादा आसान होता है। जैसे अगर मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो आप क्या बोलोगे, हेक्स है तो 2, अगर हम लोग यहाँ से बनाएं तो हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। अब 6 हो गया तो आप क्या बोलोगे, सर इसमें क्या है, 3 पे ऑल है, लेट्स सपोज मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 मानता हूँ, तो 3 पे ऑल है तो 3 पे क्या आ गया अपने पास, ऐसा OH आ गया। और उसके बाद क्या बोल रहा है, 5 पे इन है तो 5 पे ऐसा क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। और क्या बोल रहा है, 4 पे मिथाइल है तो ऐसा 4 पे क्या आ गया, मिथाइल आ गया, है ना। तो आप देखोगे ऐसा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, तो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा ये वाला ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी से। अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऐसा लिखा हुआ है, तो लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया लेकिन क्वेश्चन तो वही है। जैसे आप नंबरिंग करोगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। देखो आप सेम टू सेम है, यही चीज़ है। तो आप क्या बोलोगे, इसका आंसर जो हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 97। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 97 में अगर आप देखोगे तो ये पहला वाला ऑप्शन एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट पूछा है ना। तो एक एक करके नॉमिनक्लेचर लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा सही है।
जो आंसर मैच नहीं किया वो क्या बोलेंगे, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अगर इसमें हम लोग आएंगे 97 में, तो पहला क्वेश्चन ये था कि आपके पास ये लिख दिया हमने, अब ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से क्या आपके पास 1 पे क्या है, क्लोरो है, तो आप लिखोगे 1 पे क्या है सर, 1 पे क्या है आपके पास, क्लोरो है, तो आप बोलोगे सर ऐसा 1 पे क्लोरो है, टोटल कार्बन कितने हैं 4 है, तो आप लिखोगे ऐसा ब्यूट है, अब डबल बॉन्ड कितने पे है 2 पे, तो आप लिखोगे ब्यूट 2 इन है, देखते हैं ये मैच करता है कि नहीं करता है, तो आप बोलोगे 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन है, बिल्कुल सही है ये, है ना। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, अगर बी पे आएंगे तो क्या है, सी एच है, ट्रिपल बॉन्ड सी है, सी एच टू है, सी एच टू है, और क्या है बी आर है, तो आप क्या बोलोगे इसमें प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी, अल्काइन की, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये क्या है 5 है, सॉरी यहाँ 4 तक जाएगा तो कार्बन ही नहीं है, है ना, तो क्या हो जाएगा आपके पास, आप क्या बोल सकते हो यहाँ से कि आपके पास 4 कार्बन है, तो क्या लिखोगे आप 4 पे क्या है ब्रोमो है, तो आप लिखोगे 4 पे क्या है सर ब्रोमो है, टोटल कार्बन कितने हैं सर 4, तो लिखेंगे ब्यूट, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे 1 पे क्या है आइन है, तो देखते हैं ये मैच करता है नहीं करता है, तो 4 पे क्या है ब्रोमो, यहाँ पे क्या लिखा है 1 पे ब्रोमो लिखा है, और 3 पे क्या लिखा है आइन लिखा है, मतलब ये वाला आंसर मैच नहीं कर रहा, तो आंसर मेरा यहीं से निकल गया है, लेकिन फिर भी हम लोग बाकी चेक कर लेते हैं ताकि हम लोगों का ये मैच कर जाए, कि आपको पता चले कि बाकी आंसर क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि सी एच थ्री सी एच है, डबल बॉन्ड सी एच है, सिंगल बॉन्ड सी एच है, और डबल बॉन्ड क्या है अपने पास सी एच टू, तो अगर हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, नंबरिंग यहाँ से नजदीक होगी डबल बॉन्ड की, तो ये 3, 4 और ये 5 होगा, तो क्या होगा पेंट, और अगर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं तो हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं ए लगाते हैं, तो पेंटा हो जाएगा, और फिर क्या होगा 1 पे है और 3 पे है, तो 1, 3 क्या हो जाएगा आपके पास ऐसा पेंटा के बाद 1, 3 दो बार है, तो क्या लिखेंगे डाई और फिर इन, तो क्या देखें देखते हैं मैच करता है कि नहीं, पेंटा 1, 3 डाइन बिल्कुल मैच कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें लास्ट वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, सी एच थ्री सी एच बी आर, और फिर क्या आपके पास ऐसा सी एच टू, फिर है कार्बन पे क्लोरीन है, नीचे आपके पास क्लोरीन है, और इधर क्या आपके पास ऐसा सी एच थ्री है, ठीक है। तो इसमें नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, इधर से आप देखोगे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 हो जाएगा, तो आपके पास क्या क्या बच गया, तो आप बोलोगे सर क्या क्या बचा, ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन, तो आप पहले क्या लिखोगे अल्फाबेटिकली, तो नाम क्या हो जाएगा इसका 4 पे क्या है सर ब्रोमो है, फिर 2, 2 क्या है दो बार है, तो डाई पे क्या है क्लोरो है, तो डाई क्लोरो है, टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो लिखा पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो लिखा एन, तो नाम क्या हो गया 4 ब्रोमो 2, 2 डाई क्लोरो पेंटेन, देखो ये भी मैच कर गया, तो अपना आंसर कौन सा आया, ये जो है ये 4 ब्रोमो ब्यूट 1 आइन आना चाहिए था, और इसका दिया क्या है 1 ब्रोमो ब्यूट 3 आइन, यानी इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही इनकरेक्ट नेमिंग दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है आपसे द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एन अल्केन हैविंग 4 प्राइमरी कार्बन एटम्स, तो 4 प्राइमरी कार्बन एटम्स चाहिए अपने को, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ही पता है ये इस तरीके से हो जाएगा, बताओ इसमें ये भी क्या है 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री, और ये भी क्या है 1 डिग्री, तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स शुड बी 5, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो 5 कौन से में है ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की, तो क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा आपसे विच वन ऑफ द कंपाउंड इज नॉट आइसोमर ऑफ अदर्स, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप देखो इसमें आपको रिंग दिया हुआ है, तो आप डीयू से चेक करो, सबसे अच्छा आसान तरीका होता है डीयू से, जिसका डीयू सेम आया और नंबर ऑफ कार्बन अगर आपके पास क्या है सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा, और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा और डीयू सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका कोई ना कोई रिलेशन तो निकल के आ जाएगा, तो आप सिंपल इसमें ऐसा आपको ऐसा रिलेशन नहीं ढूंढना, आपको बस देखना है कि डीयू किस में डिफरेंट आ रहा है, तो अगर आप पहला वाला जो ऑप्शन देखते हो, पहले वाले ऑप्शन में आप देखोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का ऐसा मॉलिक्यूल दिया है, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या है इसकी डीयू कितनी आएगी सर, एक तो रिंग के लिए काउंट करेंगे और एक पाई बॉन्ड के लिए काउंट करेंगे, तो डीयू कितनी आ गई 2, दूसरे ऑप्शन में अगर आप आओगे तो इसमें क्या आपके पास इसमें भी 8 कार्बन है, देखो 4 और 4 8, और इसमें एक डीयू इसके लिए एक डीयू इसके लिए, तो इसकी भी डीयू कितनी आ गई 2, यानी दोनों में रिलेशन कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो जैसे अगर हम लोग थर्ड ऑप्शन देखते हैं, तो थर्ड ऑप्शन में अपने पास क्या दिया है कुछ इस तरीके से 5 मेंबर के रिंग है, तो मैं थोड़ा सा नॉर्मलाइज फॉर्म में बना देता हूं आपको, ऐसे टोटल कार्बन आप गिन लो, देखो अगर आप गिनोगे तो इधर 3 और ये 2, फिर से 8 है और 2 रिंग्स हैं, तो डीयू कितनी होगी इसकी भी 2 होगी, तो आप देख सकते हो डीयू 2, लेकिन लास्ट वाला जो है आपके पास इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जो है इसमें कितने रिंग्स बन रहे हैं बताओ, एक ये वाला टोटल 3, तो इसकी डीयू जो है ये आपकी 3 आ जाएगी, और डीयू 3 आ गई तो आप बोलोगे डिफरेंट आया, तो मानिए कि ये आइसोमर नहीं हो सकता, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि नॉट आइसोमर ऑफ अदर, इसलिए डीयू से चेक करना सबसे बेस्ट है इस क्वेश्चन में, तो आप क्या बोलोगे 99 का जो है आंसर वो क्या हो जाएगा डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो है ये है
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इनकरेक्ट नंबरिंग. तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा इनकरेक्ट नंबरिंग है, एक एक करके देख लेते हैं. जैसे अगर फर्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग चलें तो टोटल 6 कार्बन है अपने पास, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी पे 6 है अपने पास. इस पे ऐसा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है. यहाँ डबल बॉन्ड लगा रखा है और यहाँ पे आपके पास ऐसा ट्रिपल बॉन्ड लगा रखा है, ठीक है, ये 6 है. तो क्या ये नंबरिंग सही है? तो अगर आप देखोगे तो दोनों साइड से नंबरिंग जो आपकी है वो सेम आ रही है. अगर आप इधर से कर रहे हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर से भी करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नंबरिंग सेम है. और जब नंबरिंग सेम है तो हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड को. प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड को. और प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे तो नंबरिंग यहीं से की गई है, यानी ये बिल्कुल भी सही है ना. अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं तो उसमें फिर से कितने हैं? 2, 3, 4, 5 और इस पर आपका ऐसा ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा डबल बॉन्ड. अब हम लोग को अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबरिंग देखें तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये क्या है? 6 है. ये क्वेश्चन का नंबरिंग है. अब मैं अपने नंबरिंग के लिए मैं व्हाइट वाला यूज़ कर रहा हूँ. तो आप हम लोग जो नंबरिंग करेंगे आप क्या बोलोगे? सर यहाँ तो नंबरिंग सेम नहीं थी दोनों साइड से. अगर दोनों साइड से नंबरिंग सेम नहीं है तो हम लोग ऐसा क्या देखेंगे? जिधर से नंबरिंग सेम होगी मल्टीपल बॉन्ड्स की उधर से ही चलते हैं हम लोग. तो ये क्या होगा आपके पास? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 होगा. यानी ये व्हाइट वाली नंबरिंग सही है और ये येल्लो वाली नंबरिंग क्या है? गलत है. तो इसका मतलब इसका आंसर तो बी हो जाएगा क्योंकि पूछा क्या है? इनकरेक्ट पूछा है. क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है. और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग को पता चल गया कि ये जो है ये नंबरिंग गलत दी गई है, ठीक है. लेकिन हम लोग बाकी भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या दिया गया. तो अगर हम लोग बात करें कि नेक्स्ट ऑप्शन की तो फिर से 6 अपने पास कितने हैं? 7 मेंबर्स हैं इस बार, 2, 3, 4, 5, 6 और इस पर ऐसा ट्रिपल बॉन्ड है 7. तो ये बोल रहा है यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और इधर अपने पास क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड है, राइट. तो आप नंबरिंग करेंगे तो इसमें नंबरिंग दिया है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, येलो से लिख रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. तो अगर आप देखोगे इसमें तो इसमें आप देखोगे तो फिर से सर क्या है? 1 पे डबल बॉन्ड और इधर से नंबरिंग करने पर, इधर से अगर मैं वाइट से करूँ, अगर मान लो लेट सपोज कि हम लोग यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ये 1 होता, ये 2 होता, ये 3 होता, ये 4 होता, ये 5 होता, ये 6 होता और ये 7 होता. तो क्या होता है? येल्लो वाले नंबरिंग में 1 पे डबल बॉन्ड है और राइट से अगर हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं तो वाइट वाले भी नंबरिंग कितने पे है? 1 पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है. तो नंबरिंग तो सेम हो रही है पहले वाले मल्टीपल बॉन्ड की, लेकिन एक और मल्टीपल बॉन्ड है. तो अगर ऐसा सेम हो जाए तो आप पहले बोल रहे सर प्रायोरिटी आप पहले कौन सा दे रहे थे? डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे थे. अभी डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा क्यों दी? क्योंकि जो दूसरा मल्टीपल बॉन्ड है वो इस साइड से क्या आ रहा है? आपका नजदीक आ रहा है. कि अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड और 4 पे डबल बॉन्ड. लेकिन अगर मान लो मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो आप देखोगे 1 पे डबल बॉन्ड है और कहाँ है? 3 पे डबल बॉन्ड है. तो ऑब्वियसली बात है छोटा नंबर कौन सा? ये वाला. तो जब आपके पास मल्टीपल डबल बॉन्ड्स होते हैं तो आप किधर से चलते हो? जिधर से मल्टीपल डबल बॉन्ड्स के नंबर क्या आ रहे हैं? छोटे आ रहे हैं. तो आप क्या बोलोगे? लोअर नंबर इधर से आ रहा है. तो ये नंबरिंग कैसे है आपकी? ये भी बिल्कुल सही दी गई है. ऑप्शन लास्ट वाला देख लेते हैं. लास्ट वाले में भी कितने कार्बन है? 7 है अपने पास. तो ये 2, 3, 4, 5, 6 और इधर आपके पास ऐसा ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है. तो इसमें जो नंबरिंग की गई है वो मैं येलो से कर रहा हूँ. येलो से नंबरिंग दी गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7. और डबल बॉन्ड्स कहाँ हैं? 6 और 7 के बीच में. और कहाँ हैं? 3 और 4 के बीच में. अब देखो इसी क्वेश्चन को कैसे दोबारा रिपीट कर दिया, सेम टाइप का ऑप्शन है. अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है? ट्रिपल बॉन्ड 1 पे और इधर से नंबरिंग करने पर, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ वाइट वाले से करता हूँ तो अगर आप देखोगे तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है. तो आप देखोगे कि अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो फिर से 1 पे क्या है? डबल बॉन्ड. इधर से करता हूँ तो 1 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड. तो आप क्या बोलिएगा कि दोनों में ही क्या है आपके पास? नंबरिंग फिर से सेम आ गई. तो मैंने क्या बोला आपको? जब ऐसा नंबरिंग सेम आ जाए फर्स्ट वाले की मल्टीपल बॉन्ड की तो आप क्या देखो? दूसरे वाले मल्टीपल बॉन्ड को देखो कि कौन किधर से नजदीक आ रहा है. तो अगर आप ऐसा राइट साइड से नंबरिंग करोगे तो ऐसा डबल बॉन्ड कितने पर आएगा? 3 पे. और अगर आप ऐसा लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड कितने पर आएगा? 4 पे. तो ऑब्वियसली बात हम लोग किधर से नंबरिंग प्रेफर करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला जो है वो तो सेम हो गया. तो आप क्या बोलोगे कि येलो वाली नंबरिंग क्या है सर? बिल्कुल सही है. और ये व्हाइट वाली नंबरिंग जो है बिल्कुल क्या है? गलत है. यानी जो ऑप्शन में दिया है अपने पास ये करेक्ट नंबरिंग दिया हुआ है. इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो कौन सा गलत दिया हुआ था अपना? तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर जैसे अपने पास ये भी सही था, ये भी सही था और पहला वाला भी सही था. यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या है अपना? गलत है. तो हम लोग क्या बोलेंगे सर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. होपफुली मैं ऐसा सपोज करता हूँ कि आपका एग्जाम सारे अच्छे गए होंगे और आपने सारे क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर लिए होंगे, आपको किसी में दिक्कत नहीं आई होगी और जो भी प्रॉब्लम हुए होंगे आपको सॉल्यूशन से यहाँ पे समझ में आ गया होगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एनटीएस पे. थैंक यू.